तो अभी भी राहुल साहू बोरवेल में फंसा हुआ है, राहत कार्य जारी है। 30 घंटों से ये राहत कार्य चल रहा है। बचाव कार्य में बचाव दलों को कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। इधर लगातार सीएम भूपेश बघेल इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिया था कि रोबोट विशेषज्ञ महेश अहिर की टीम वहां पर पहुंची हुई भी थी, पर बच्चे की ओर से ज्यादा रिस्पांस नहीं मिलने के कारण रोबोट कार्य सफल नहीं हो पाया है। सीएम ने अफसरों को हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। तो लगातार प्रयास जारी है। 11 वर्षीय राहुल मुखबादिर होने की वजह से पूरी तरह सक्षम नहीं, इसलिए बचाव दलों ने रस्सी के सहारे दिए जा रहे फल और आहार को तो राहुल पकड़ लेता है, लेकिन बचाव के लिए भेजी जा रही मोटी रस्सी को वहां छोड़ देता है। बचाव दल बच्चे के परिजनों और परिचितों के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। बोरवेल में 65 फीट की गहराई में राहुल को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस और प्रशासन की टीम लगी हुई है। बता दें कि 30 घंटों से लगातार राहत कार्य चल रहा है। गड्ढे जितना खोदना था वो अब खोद लिया गया है। अब गड्ढे के अंदर जाने का रास्ता है वो बनाया जा रहा है, यानी कि सुरंग बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी रास्ते से एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंचेगी और बोरवेल तक लाया जाएगा और वहीं से बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। तो लगातार राहत कार्य जारी है। 30 घंटों से ये राहत कार्य चल रहा है। फिर से आपको बता दे कि गड्ढे जितना खोदना था वो खोद लिया गया है। अब गड्ढे के अंदर आने का रास्ता बनाया जा रहा है, यानी कि सुरंग बनाने का कार्य शुरू हो गया है।